मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीवा डंपिंग ग्राउंड में कल से आग लगी हुई है और ये आग और भी विकराल रूप ले रही है। आग से बेहद ही जहरीला धुआं निकल रहा है जो दीवा और मुमरा वासियों के लिए घातक है। इसके पहले भी दीवा डंपिंग ग्राउंड में आग लगी थी जिसकी वजह से लोगों को भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कल एक बार फिर इस दीवा डंपिंग में आग लगी और अब इस आग से निकलने वाला जहरीला धुआं मुमरा के लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन रहा है। इसी डंपिंग ग्राउंड के रास्ते से कई नेताओं का आना जाना है, मगर इसके बावजूद भी इन नेताओं का ध्यान इस डंपिंग ग्राउंड पर नहीं पड़ता है। इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर काफी बार विवाद भी हो चुका है। कई बार अधिकारियों ने इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की बात भी की, मगर इसके बावजूद दीवा डंपिंग ग्राउंड में अभी भी कचरा डाला जाता है। दीवा मुमरा के लोगों को इस डंपिंग से निकलने वाले धुएं के चपेट में अब एक बार फिर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से दीवा डंपिंग से निकलने वाला धुआं प्राण घातक, ये जहरीला धुआं जो मुमरा शहर में धुंध बनकर छाया हुआ है, ये जहरीले धुएं से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, ऐसी कई घातक बीमारियों के चपेट में दीवा और मुमरा के लोगों को जूझना पड़ेगा। मगर इस डंपिंग की आग को जल्द ही बुझाना चाहिए, मगर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आग डंपिंग की जिस छोर पर लगी है वहां जाने का रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को वहां आग बुझाने में मुश्किलें हो रही हैं। आग बुझाने के लिए अभी तक सिर्फ 5 से 6 गाड़ियाँ आग बुझाने गई, मगर आग बुझने के बजाय और बढ़ गई है और इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से अब एक बार फिर दीवा और मुमरा वालों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मुमरा दमकल विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि दीवा डंपिंग में लगी आग को बुझाने का काम चल रहा है, मगर देखने वाली बात यह है कि आग वाकई में बुझेगी या फिर इसी तरह जलती रहेगी और धुएं से मुमरा और दीवा के लोग बीमारियों की चपेट में आएंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।